करो करो कुछ ना कुछ करो। आपके पास तीन दरवाजा, पहला दरवाजा आपका दरवाजा। घर में जितना देर बैठोगे उतना ज्यादा गरीब बनोगे। घर में बैठना बंद करो। यदि बैठना है तो दो आदमी के साथ बैठो, वो ताकि अपना एक विचार दे, मैं कौन काम करके आया हूँ, क्या तुम यह काम करोगे। घर में बैठना बंद करो, क्योंकि जितना देर बैठोगे घर में उतना ज्यादा गरीब बनोगे। दूसरा दरवाजा वो है जो जहाँ आपके साथ रहने का काम करता है, आपको बताने का काम करता है, तो उसके साथ बैठने का प्रयास करें, उसको सजा के सीखने का प्रयास करें। व्यक्ति के जब मन में चाहत बढ़ने का होता है ना, तो उसका कोई नहीं रोक पाता है, उसका अंधेरा रात भी दिख जाता है। जब तुलसीदास मानव जैसे अंधेरी रात में जाने की चाहत हुई थी ना, उसका नदी में दहा हुआ मुर्दा एक नाव बन जाता है, उसका सांप एक रस्सी का सहारा बन जाता है, और तो और एक नदी का धारा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जब आपके मन में बहने की चाहत होगी ना, तो धारा अपना समुद्र अपना धारा रोक दिया करती है। धूप है जो ठंडा महसूस करने को देती है, आगे चाहत बहने का प्रयास रखे। जीवन में दोस्त एक परछाई जैसा होना चाहिए, परछाई हमें साथ नहीं छोड़ती है। वैसे ही आपका दोस्त कैसा होना चाहिए, परछाई जैसा होना चाहिए, जो आपका कभी साथ ना छोड़े। यदि धैर्य रखना है अपने काम में, धैर्य अवश्य रखें, क्योंकि धैर्य जब निराश हो जाइएगा, टूट जाएगा, आपका एक छोटा सा एक कण भी आकर आपको काम को रोक सकता है। अपने काम में धैर्य बनाए रखें। गुरु के जीवन की शुरुआत कहाँ है? गुरु तो हर मानव को बनाया पड़ा है। गौतम बुद्ध भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे रावण हो, और तो और चाहे बदराज हो, उसको भी कुआं के रस्सी के सहारे उसको सीखना पड़ा है। सीखिए, सिखाइए। जब तक जीवन आपका गुरु नहीं होंगे ना, तब तक आपका कोई कार्य सफल नहीं हो पाएंगे। और मेन बात यह है कि जब कोई कार्य करने का हिम्मत टूट जाता है, तो वो गुरु के पास जाता है, वो गुरु से सलाह लिया करता है कि ये मेरा कार्य कैसे होगा। और जब आपके पास गुरु ना होगी ना, तो आप कार्य करेंगे और तो और आपके मन में विश्वास टूट जाएगा कि यदि कार्य मुझसे होगा कि नहीं होगा, सफल होगा कि नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा कि जीत जाऊंगा। यदि इस प्रकार के आपके मन में चल रहा है, तो आप पक्का हार जाएंगे। क्योंकि यदि आपके मन में विचार है कि मैं हार जाऊंगा, तो आप उस पर मेहनत करना कम कर देंगे, उस पर समय देना कम कर देंगे, उस पर ध्यान देना कम कर देंगे, और तो आप ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो आपको यह सिखाएंगे कि आपसे यह काम नहीं होगा। यदि आपके पास गुरु होंगे, वो आपको विश्वास को मजबूत करेंगे, वो आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। यदि आपके ऊपर विश्वास है काम करने की या जीतने की, तो कोई भी दुनिया की शक्ति आपको नहीं हरा सकता, नहीं कोई दुनिया की आपको टोकर लगा सकता, नहीं कोई बाधा उत्पन्न कर सकता है। जीवन में गुरु होना आवश्यक है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा, तब तक आपका जीवन शुरू नहीं होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे सोच विचार। मैं हूँ आपके साथ वर्जेश कुमार। यदि आप भी समाज के लिए कोई विचार देना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।